पंचकुला में बच्चों से भरी बस पलटी, ये बड़ी खबर पंचकुला से सामने आ रही है, जहां अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल बस। तो वहीं आपको बता दें कि टिकर ताल घूमने गए थे बच्चे और उस दौरान ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मोरनी के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां इस हादसे में 5 से 6 बच्चे घायल भी हुए हैं। पंचकुला से खबर, घायल बच्चों को PHC मोरनी में भर्ती कराया गया है। पंचकुला में बच्चों से भरी बस पलटी है और घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अनियंत्रित होकर स्कूल बस पलटी। इस दौरान 5 से 6 बच्चों के घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि तो पूरा मामला पंचकुला का बताया जा रहा है, जहां घायल बच्चों को PHC मोरनी में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और घटनास्थल की तस्वीरें भी, जहां अनियंत्रित होकर स्कूल बस पलटने से 5 से 6 बच्चे घायल हुए हैं। टिकर ताल में बच्चे ये घूमने गए थे। तो वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी उमंग श्योराण हमारे साथ जुड़ी। उमंग, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, 5 से 6 बच्चे इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं, फिलहाल उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो हादसा है ये मोरनी से टिकर ताल जो रोड है उस पर ये हुआ है, जहाँ स्कूल बस जो बच्चों से भरी हुई थी वो हादसे का शिकार हुई है। हादसे का हालांकि मुख्य कारण अभी साफ नहीं हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिरते जा टकराई और जिसके चलते हादसा हुआ, इसमें 5 से 6 बच्चे जो है घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई है और उन्हें भर्ती कराया गया है जो वहाँ मोरनी का जो अस्पताल है। जी बिल्कुल उमंग, लेकिन देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि स्कूल बस पलटने की वजह से हादसा हुआ है, ऐसे में फिलहाल अगर शुरुआती जांच में साफ हो पाया हो कि आखिर किसकी लापरवाही इस पूरे हादसे में मानी जाए। देखिए इसमें अभी लापरवाही के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मामले में जांच चल रही है। मोरनी पुलिस चौकी इंचार्ज और उनकी टीम जो है मौके पर पहुंची है और वो अभी इस मामले में जांच कर रहे हैं कि असली कारण क्या है हादसे का, क्योंकि कई तरह की सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर कुछ भी स्थिति अभी तक उन्होंने पुष्टि नहीं की है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको उमंग हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बच्चों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलटी और इस दौरान 5 से 6 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें PHC मोरनी में भर्ती कराया गया है। टिकर ताल घूमने के लिए बच्चे गए थे और इस दौरान बस अनियंत्रित होकर पलटी और 5 से 6 बच्चों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है और लगातार इस पूरी घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।